दो और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुमार अभिषेक लखनऊ से हैं, रवीश पाल सिंह भोपाल से हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देश में हर राज्य टुकड़ों टुकड़ों में लॉकडाउन लगा चुका है। दिल्ली के बाद यूपी में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई, तो वहीं दक्षिण के राज्यों ने भी पाबंदी का सख्त ताला जड़ दिया है। कोरोना महामारी इन दिनों लोगों की सांसों पर संकट बनी हुई है। मुश्किल के इस दौर में सरकारें लोगों तक मदद पहुंचाने और उनकी जान बचाने की कोशिश में लगी है। इसी कवायद के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और यहां डीआरडीओ के अस्पताल का निरीक्षण किया। हर एक स्तर पर संसाधन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। जिस मजबूती के साथ किया जाना चाहिए, इसमें सरकार, समाज, सभी लोग मिलकर के जब प्रयास करेंगे तो उसके सार्थक परिणाम आएंगे। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने यूपी सरकार एक्शन में है और खुद सीएम योगी प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच कोरोना पर काबू पाने के लिए यूपी में चौथी बार लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है, जो 17 मई तक जारी रहेगा। 6 मई को प्रदेश में 26,622 नए कोरोना केस आए और 28,902 लोग ठीक हुए। 7 मई को संक्रमितों की संख्या 27,763 रही और 33,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 8 मई को नए मरीजों की संख्या घटकर 26,636 हो गई और इस दौरान सबसे ज्यादा 34,721 लोग ठीक हुए। कोरोना से सबसे ज्यादा जूझ रहे राज्य महाराष्ट्र में पाबंदियां 15 मई तक बढ़ाई गई हैं। राजस्थान में कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं। झारखंड में कोरोना से निपटने के लिए हेमंत सरकार ने 13 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं बिहार में भी 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। मौजूदा समय में उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण के राज्यों में कोरोना का कहर कहीं ज्यादा है। कर्नाटक में 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वहीं केरल में 16 मई तक पाबंदियां लागू की गई। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में 6 मई से ही 2 हफ्ते का आंशिक लॉकडाउन जारी है। देश के ज्यादातर राज्यों में जारी पाबंदियों के बीच कोशिश यही है कि किसी तरह कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जाए। रोशन जायसवाल और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।